हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल ऑटो कैड डिजाइन में। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ऑटो कैड 3D में हम रेलिंग मॉडल्स कैसे ड्रा करते हैं, तो जिसे वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देखिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, इसका आपको सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो आज की वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि कोई भी घर है, होम है, उसको 3D में कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैं से ये पड़ा हुआ है तो हम इसको 3D में ड्रॉ करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, सी ओ फॉर कॉपी। कॉपी करके हम दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसको जो हमने कॉपी कर दिया, तो अब हमने क्या करना है, इसको सबको जो हमने नाम डायमेंशन दिया इसको इरेज कर देना है। ई फॉर ई एंटर फॉर इरेज, या फिर आप सबको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर सकती हो। तो जैसे क्या होगा कि इरेज हो जाएगा, ब्लू लाइन भी, खिड़की वगैरह, हैचिंग, सब कुछ डिलीट कर देना आपने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सारा डिलीट कर दिया हुआ। तो अब हमने क्या करना कि जो हमें डोर के जो हमने साइज, जिसको हमने बंद कर देना, TX एडवर एंटर करके इसको स्टैंड कर देंगे, इसको बंद कर देंगे हम। मैं आपको बताऊंगा वो क्यों करना है दोस्तों। बिल्कुल आपकी चिंता मत लीजिएगा, पूरा समझाएंगे आपको आज। हमने क्या करना है दोस्तों, बेसिकली ये हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम करते हैं सेटिंग्स की, यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सेट कर देना, इतना हो गया। तो हमने ये सारा बंद कर दिया, कभी खाली छोड़ रहा तो छोड़ रहा तो देख लीजिए, कहीं खाली नहीं छोड़ रहा। हैचिंग अभी शो हो रही है, हैचिंग हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक विंडो बनाते हैं, हमारा टॉयलेट था तो इसकी विंडो नहीं है, तो हम क्या देंगे, एल एंटर करके सेंटर दे देंगे इसका। तो और फिर के 1.3 फीट लेते हैं, या 1 फीट लेते हैं, या 1 फीट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारी विंडो बन गई, तो TR एंटर करके इसको हम काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं। ट्रिम इसलिए ले रहे हैं दोस्तों ताकि हमारी आसानी हो जाए हमें ड्रॉ करने में। ये भी ठीक, यहाँ पे भी ठीक, यहाँ पे लेते हैं, ये भी हो गया, यहाँ पे मैंने खुद बंद किया, ठीक है। यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे हो गया, ये हमारा बन गया हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको प्रेसफुल करना है। उसके लिए हमें पहले यहाँ पे 2D वायर फ्रेम है, इसको हम कन्वर्ट कर देना है 3D शेड में। अब हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते साइड पे, देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया, ड्राइंग बन गया। उससे पहले दोस्तों क्या करना है, मैं वापस कर देता हूँ, टॉप व्यू कर देता हूँ, यहाँ से जाना अपने टॉप व्यू पे क्लिक करना है।
तो उससे पहले हमने क्या करना है, थोड़ा जूम कर देते हैं, हमें इसकी एक लेंस लेनी है, कुछ PL पॉली लाइन या फिर REC, रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेके यहाँ पर क्लिक करना है आपने और यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। तो इसको फिर कॉपी करते हैं, CO को कॉपी, सिलेक्शन सेकंड ऑन रखना है क्योंकि आपको पता लग जाएगी कौन सा रेक्टेंगल कौन सी पॉली लाइन है। हमने पॉली लाइन सेट कर दी है, इसको मूव कर देना है आगे की तरफ, ये हो गया। अब वापस हमें इसको कॉपी करना है, उससे पहले आपको क्या करना है, इसको REC रेक्टेंगल देना है, यहाँ से पकड़ना आपने और यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। तो हम इसको ऑफर और अंडर करते हैं, ऐसे हो गया। इसको हम 90 डिग्री कम कर देते हैं, सो जितना इतना हम इसके एक्सटेंड करके यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, इसको कॉम्प्रेस करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमने क्या किया दोस्त, इसके लिए छत के लिए भी ले लिया हमने, ठीक है, छत के लिए ले लिया हुआ है, फ्रेंच के लिए ले लिया हुआ है, स्टेयर के लिए ले लिया हुआ, सबको हमें इसको निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, हमारा दोस्तों ये बन चुका है, अब हमें क्या करना है, इसको टॉप व्यू को सेट करना है। टॉप व्यू सेट करने के बाद आपको कोई ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपने क्या करना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि हमारे फ्रेम पे आ जाए, आ गया। अब हमें प्रेस व्यू करना है, बट दोस्तों अगर प्रेस व्यू करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने टॉप व्यू सेव किया, तो हम 8 इंच एंटर कर देते हैं, तो ये ऐसे आएगा हमारा इंटरफेस होगा, ये आपको शो होगा जब हम इसको शिफ्ट और मिडल वाला करके रोटेट करेंगे, तब आपको प्रॉपर शो हो जाएगा। तो अब एक हमारा हो गया हुआ, तो हम अब क्या करेंगे, तो जूम कर देते हैं, करेंगे वहाँ पे इसको क्लिक करके एंटर मार देंगे, एंटर मार देंगे कि हमें जो पहले लिया वही शो होगा, हमें यहाँ पे क्लिक एंटर मार देंगे, यहाँ पे एंटर, जहाँ जहाँ पे हमें हमें लगता है डोर विंडो नहीं लगनी है वहाँ वहाँ पे वो देंगे, ये यहाँ पे भी नहीं होगा, एंटर एंड, ये तो पूरा हो गया। हम पैक कर देते हैं और ये फिर वापस करते हैं प्रेस को लेकर, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे हमें पूरा सेट करना है जो भी हमें चाहिए होगा, एक पैसा वाला तो हम ले लेंगे इसको, एंटर, ठीक है। अब इसको हम सारा रूम फिल कर सकते हैं, एंटर, ये हमारा डोर है, यहाँ से देते हैं, ठीक है। अब आपको ये 2D लग रहा है, बट बेसिकली दोस्तों ये है 3D है, तो अब बट आप इसको जब रोटेट करेंगे तो आपको प्रॉपर से व्यू लगेगा, तो हम ये भी देते हैं प्रेस पूरे के, ये भी कर देते हैं हम 3 इंच, एंटर 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 एंटर, ये आप प्रयोग कर देते हैं, अभी ये हमारा इसको हम ट्रीट कर देते हैं, वापस करते हैं, प्रेस बोलेंगे, इसको हम मूव कर देते हैं, इसको हम 9 सॉरी 8 इंच देते हैं, 8 इंच 8 एंटर कर देते हैं, इसको हम कुछ गड़बड़ी है, ये हम यहाँ करते हैं प्रेस करते हैं वापिस,
इसे सेट करना है, इसको सेट किया 3 इंच, एंटर, फिर सेंटर, बचे यहाँ बचे अभी एक, ये पैक करें। ये बताओ दोस्तों, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम प्रॉपर उस बॉक्स पे क्लिक नहीं कर रहे। जब हम बॉक्स पे प्रॉपर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। 3 इंच एंटर, देखो प्रॉपर क्लिक किया आ गया, प्रॉपर क्लिक किया आ गया। हमारा सारा हो गया, हम क्या इसको रोटेट कर देते हैं। चेक किया, देखिए रोटेट किया, जहाँ पे 3 था वहाँ पे 3 है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है वहाँ पे 8 है। तो अब लगे थे हमें कितना लिए, नो रियल कितना लिया था, चेक करते हैं। तो DISM सेट करेंगे, कितना लिया हमने ऊपर DI, एंटर, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके एच पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखते कितना दिन हमने, 1 इंच लगेगी। तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेस फोर से इस पर क्लिक करेंगे तो 1 इंच हम कम कर देंगे, हम 2 इंच कर देंगे, यहाँ से 2 इंच यहाँ से एक कम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ये डबल यूज कर देते, ये दोबारा छोड़ दिया, ये बराबर हो गया सारा, दो दो दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने जो हम डोर है उसको हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ, इसको हम एम एंटर करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको इसको सॉरी हम करेंगे एम एंटर करके इसको सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे जो फ्रंट पे, तो हम फ्रंट पर सेट करके इसको सेट करके यहाँ पे डब्बा डब्बा जगह डस्ट डब्बा होगा, डब्बा डब्बा सेट करना ऊपर ऊपर की तरफ दीवार के एच की तरफ, यहाँ पर डब्बा शो होगा आपको, यहाँ पे छोड़ देंगे, देखिए छोड़ देंगे, इसे डोर हमारा ऊपर हो गया। वैसे हम यहाँ पे करना है, इस पर क्लिक करेंगे, हम क्या करेंगे एम एंटर करेंगे, एम एंटर, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, स्पेस बार लेके इस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे डब्बे पे ऊपर डब्बे छोड़ देंगे, ये हमारा बन गया डोर का। अब हम बनाएंगे विंडो का, तो विंडो के लिए क्या करना है दोस्तों, ऐसे हमें जैसे बताया था, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, जो हमारे फ्रंट वीडियो फ्रंट बन रहे हो उसको चेक करेंगे, टॉप बन रहे हमारे फ्रंट, ये दिख रहा है 4 5, इसी ओ करके कॉपी करके इसको सेट करें डब्बा, और डब्बे को के एज तक पहुँचा देंगे, डब्बा हम शो करें, ठीक है। तो वैसे ही हमें इसको एस्केप कर देना है, इसको करेंगे CO फॉर कॉपी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डबल पे क्लिक कर देंगे एस्केप। तो ये हमारा हो गया सारा, चेक कर सकते हो आप, ये बचा हुआ। हमें क्या है दोस्तों, इन सबको यूनियन कर देना ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए अलग करने में, मतलब अलग ना हो। तो क्या करना है, UNI सेट करना है, सेट करके एंटर मार देना, एंटर मार दिए तो सारा हमारा यूनियन हो चुका है। 3 की जगह हम 2 ले सकते हैं, वो अपने डिपेंड करता है, ठीक है। इतना हो गया, हम इसको क्या करते हैं,
पेंस लेते हैं। इतना हो गया दोस्तों, अब हमने क्या करना है, हमें इसको सेलेक्ट करना है। अब हमें क्या करना है, सीढ़ियाँ लेनी है, स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए प्रेस फॉर करेंगे, यहाँ 6 एंटर, 12, 18। फिर इसको 6 6 क्यों दिया है, ठीक है, 18, 24, 30, 36, 42, 3 हमारी बन गई सीढ़ियाँ, सी टाइप सीढ़ियाँ। तो मैंने आपको सी टाइप कैसे बनाते हैं उसकी एक अलग सी वीडियो बनाई है, तो चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो कि हमें सी टाइप सीढ़ियाँ जो है कैसे बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये थे हमारे डायग्राम। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको शिफ्ट कर देना वहाँ पे। इसको क्लिक करेंगे, सी ओ फॉर कॉपी करेंगे, क्लिक करके ये यहाँ पे जो डबल यहाँ क्लिक करेंगे तो हम सेक्शन सेकंड ऑफ कर देते हैं। इसको कहेंगे सीओ एंटर। यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके रिमोट रिमोट थोड़ा ये यहाँ पे हम छोड़ देंगे, अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको एज छोड़ा है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, सीओ एंटर। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, डब्बा से शॉप होगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डब्बा शो जाएगा। आप देखिए जैसे आप वो करोगे यहाँ पे आपको आगे करोगे ये डब्बा आपको शो हो जाएगा, इसकी डब्बा शो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये हमारी बन गई एक स्टेयर, ठीक है दोस्तों, स्टेयर बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे प्रेस करके 2 लिख देंगे, तो सी ओ एंटर। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे जूम करके, ये ठीक है ना, हो गया हमारा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये बन गया हमारा पूरा। तो अब इसको क्या करें, इसको हम ब्रांड देंगे ऐसे। अब इसको हम लेंगे, उससे पहले यहाँ पर डोर दे देते हैं दोस्तों, एल एंटर करके डोर देते हैं, ओ एंटर, 3 फुट 3 इंच की डोर देते हैं, 3.3 इंच, तो टी करके इन दोनों को ड्री कर दिए, इसको और इसको ट्री कर देते हैं। वैसे हम यहाँ पर लेना एल एंटर करेंगे, अंतर 3 फुट के यहाँ देते हैं, 6 फुट के हम ये विंडो देते हैं, 6 फुट यहाँ लिया, 6 फुट यहाँ लिया, इसको हम ई कर देते, इसको कर देते एस। ये हमारे बन गए, तो हमें क्या ना प्रेस को लेकर इसको 6 इंच ले लेंगे, 6, इसको हम थोड़ा शिफ्ट मिड मार करके इसको 6 लिया, इसको हम लेते हैं 6 6 और इसको 9 लेते हैं, 9
इंच ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्पेस बार कर देंगे, देखो ये बना बन के हो, तो यहाँ 3 कर देंगे, 3 इंच, और यहाँ पे हम कर देते हैं 3 इंच। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि हम इसको जैसे हमें डोर विंडो लिया है वैसे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे मूव करेंगे, एम एंटर करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके उसके ऊपर छोड़ेंगे इसे बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। वैसे हम यहाँ पे करेंगे क्लिक करेंगे और सी ओ एंटर तो छोड़ देंगे ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है इसको ज्वाइन कर देना है, यानी कि इसको हम कर देंगे फॉर इट मूव, इसको सिलेक्ट करके ये सब सेट करना है और एंटर, ये हमारा हो गया अटैच। तो अब हम क्या करेंगे इसको क्लिक करेंगे सी ओ कॉपी, इस पर नीचे क्लिक करके ऊपर वाले पे यहाँ पे हमने छोड़ देना, ये यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा बन गया पूरा डिज़ाइन, पर हमें दोस्तों हमें दिया गलत जगह, क्योंकि हमारी जो विंडो डोर थी विंडो थी इस तरह थी, इसलिए हम थोड़ा इसको कम लेंगे, तो इसको हमें इस शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, जो मैं आपको कल बताऊँगा, आपको थोड़ा यहाँ पे डिटेल चेंज करके आपको कल बताऊँगा। आज के इतना ही दोस्तों, कल मैं आपको बताऊँगा उसमें हम रेलिंग कैसे देंगे और विंडो की फ्रेम जो है सर्जी कैसे ड्रा करेंगे। तो वीडियो को देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम कल भी आपको इसके अगले पार्ट लेकेंगे, इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।